नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी बढ़िया प्रखंड के ये बगल में NH-80 है, दकुल संबलगढ़, और हमारे साथ हैं भाजमुयों के जिलाध्यक्ष दीपक जी। लेकिन यहां पर इनसे हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम जानने के लिए आए हैं कि इन्होंने एक बड़ा सा लेयर फार्मिंग यहाँ पर शुरू किया है, और इसी को जानने समझने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। और कैसे, क्या ये हुआ है, क्या कुछ बताइए इसके बारे में। ये लेयर फार्मिंग है, 10,000 अंडे का इसका क्षमता है हमारे फार्म का। इसमें 10,000 चिक्स हैं, जिसमें लगभग 9,000-9,500 अंडे का उत्पादन प्रत्येक दिन होता है जी। और जिसका मांग हमारे बाज़ार में पर्याप्त है, और इसके मार्केटिंग में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग चिक लाते हैं, छोटा सा चूजा जो होता है 0 डेज का, उसको लाते हैं, उसका पालन हम लोग करते हैं। 120 से 135 दिन का वो पीरियड होता है, वहाँ तक उसको पालना होता है। पाल के तब ये अंडा देने लायक हो जाती है, फिर ये अंडा देने लगती है, और ये निरंतर जो है 14 से 16 महीने तक अंडा देती है, और उसके बाद इसकी क्षमता ख़त्म हो जाती है अंडा देने का। उसके बाद ये फिर बड़े बड़े जो स्लॉटिंग की कंपनी है, KFC है वगैरह, उसको हम लोग इसका सेल कर देते हैं। इसके अंदर भी आपको हम दिखाएंगे, तो चलें इसके अंदर देखते हैं क्या कुछ है। और ये केमिकल यहाँ पर दिए हैं जी, ये इसलिए होता है कि बाहर के जो लोग आते हैं उनको इस केमिकल में ये अपना, आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है, ये जो कीटाणु वगैरह है, जो वायरस है, वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग अंदर चले, इसके बाद अंदर हम लोग का जो यूनिट है वो अंदर इसी के अंदर है जी। काफ़ी अलग लगेगा आपको देखने में। चलिए इसके अंदर चलते हैं, और बाहर जितनी ठंड है ना, उतना ही गर्म अंदर है। अरे वाह, ये तो काफ़ी दम जी। थोड़ा बताइए इसके बारे में, ताकि जो दर्शक हैं वो भी, अगर उनको लगे तो वो भी चालू कर सकते हैं इस तरह का। बिल्कुल, यही जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो कंसेप्ट है हमारे प्रधानमंत्री का, माननीय मुख्यमंत्री का आत्मनिर्भर बिहार, तो सब मिला के देखा जाए कि अभी जो युवाओं का एक जो सोच विकसित हो रहा था पिछले आज़ादी के बाद से, कि अपनी पढ़ाई करें, अपने प्रोफेशन को पूरा करें, और जो है हम जॉब करें, एक जॉब का सपना साकार करने के लिए सारी जो है हमारी लक्ष्य वहीं तक रह जाती थी। लेकिन अब वो समय आ गया है कि जब युवा अपना मनोबल को बढ़ाएं, और हम नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने जी। तो हम लोग इसको चुने कि हम लोग अपना रोजगार करेंगे। ये अंडा 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 भी है ना यहाँ जी, अभी लगता अंडा दी है ना जी, अभी जस्ट ये अंडा दी है, और अंडा का कलेक्शन ये हो रहा है जी। और ये हो के बहुत सारा रखा हुआ भी है। आप बता रहे थे कि कितना अंडा प्रतिदिन उत्पादन होता है इसमें। 9,000 से 9,500 प्रत्येक दिन अंडा आता है, 10,000 मुर्गी इसमें है। तो बहुत सारा मुर्गी का फिजिकल स्टेटस एक जैसा नहीं है, जिसके चलते थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करता है, कोई 24 घंटे में, कोई 28, कोई 30 घंटे में अंडा देती है। तो इस प्रकार से हमारा 9,000 से 9,500 के आसपास प्रत्येक दिन होता है। अगर इस सेटअप को अगर कोई लगाना चाहे तो कैसे इसकी शुरुआत करेंगे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। इसमें इसका एक डिज़ाइन हमारे पास है, जो चाहेंगे कि हम लगाएंगे तो उसको हम लोग कोऑपरेट करेंगे कि कितना बाई कितना का साइज चाहिए, कितने कैपेसिटी का वो लगाना चाह रहे हैं, क्या लागत आएगा, क्या मुनाफा होगा, ये सारा हमारा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसको हम लोग शेयर कर सकते हैं। चाहेंगे तो आपके पास आके इसको ले सकते हैं, देख सकते हैं, यही ना एकदम देख सकते। आप बता रहे थे कि प्रतिदिन अगर अंडा खपत की बात करें तो लखीसराय जिला है अपना जी, जी, कितना प्रतिदिन अंडा का यहाँ खपत है? यहाँ 2 लाख+ अंडा का खपत प्रत्येक दिन है लखीसराय जिले का जी जी। 2 लाख+ 2 लाख+ तो 2 लाख+ अंडा लखीसराय में उत्पादन होता है कि दूसरे स्टेट पर हम लोग को निर्भर रहना पड़ता है? लखीसराय में मात्र 60,000 अंडा का उत्पादन होता है, बाकी 1,40,000 प्रत्येक दिन अंडा हम लोग अदर स्टेट से, दूसरे राज्य से लाते हैं। तो ये तो बढ़िया है, आत्मनिर्भर भारत जो आप कह रहे थे, आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर लखीसराय जी, उसके दिशा में तो ये बेहतर पहल है। बिल्कुल बेहतर पहल है। इससे है क्या कि युवाओं का ये अंडा उत्पादन हो गया, मुर्गी पालन है, मशरूम का उत्पादन है, मछली का उत्पादन है। जब तक एग्रीकल्चर को इंटीग्रेटेड नहीं करेगा, हमारा कृषि लाभकारी सिद्ध नहीं हो सकेगा। वो परंपरागत कृषि का एक दौर था, और उसका अब समाप्त हो गया है दौर। तो हम लोगों को अब कृषि को बहुआयामी बनाना पड़ेगा, कि छोटे छोटे स्तर पर ही बहुत तरीके से किया जा सकता है, हम लोग ऐसा करें। अगर मुनाफे की बात करें तो वो कैसा है?
ये इसको अगर देखा जाए तो ये बहुत रिस्की भी है एक तरह से, कोई तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत सारी मुर्गियों में कैजुअलिटी का रेशियो बढ़ जाता है, तो उसमें नुकसान होने की भी एक संभावना बनी रहती है। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो इसको अगर अच्छे तरीके से हम लोग ऑपरेट करें पूरा कंसस हो करके तो बहुत लाभकारी, अच्छा खासा मुनाफा। जी जी जी। ये कौन सा ब्रीड है मुर्गी का अगर बात करें तो? ये बैंकीज का है। बैंकीज? हाँ। कहाँ से आता? ये बैंकीज कंपनी है जो भारत में दो कंपनी का चीक आता है लेयर फार्मिंग का, एक स्काईलार्क का है एक बैंकीज का है। जी। तो हम लोग बैंकीज का यूज करते हैं, स्काईलार्क का जो है साउथ इंडिया में ज़्यादा है, उसके वातावरण के अनुरूप उसका ये नस्ल तैयार है, हमारा बैंकीज का है। तो तकरीबन कितना साल हुआ है आपको ये प्रोजेक्ट चालू? 2017 में इस व्यवसाय में हम लोग आए थे और तब से हमारा ये तीसरा फ्लॉक है। तीसरा? जी, तब से ये हमारा तीसरा। इसके इसके नीचे जो है वो ये बीट है इसका, बीट है इसका। ये पूरा फ्लॉक कंप्लीट होने के बाद इसको हम निकालेंगे और निकालने के बाद जो है इसका भी सेल हो जाता है ये जो है। और ये क्या है? यही दाना देते हैं? दाना है इसका ये इस तरह से। जी, ये दो समय इसका पड़ता है, दो समय इसका सुबह और शाम में देने का टाइमिंग है, वो हमारा फीडर है उसमें हम लोग दाना देते हैं। और ये देखिए हमारा ड्रिंकर लगा हुआ है यहाँ, ये इसमें पानी होता है। जी जी। जिस मुर्गी को प्यास लगता है वो जानती है कि हमारा पानी यहाँ है, वो सीधे इसमें चोंच लगा के पानी पी लेती है। जी जी जी, जैसे अभी देखिए वहाँ पी रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी कुछ बेहतर है। जी,